बच्चों, ये सवाल आपने ग्रुप में पूछा था, तो देखिए इस सवाल में द इक्वेशन ऑफ ए स्टेशनरी वेव इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, करेक्ट वाला नहीं ढूंढना। तो आपको हमने पढ़ाया था कि साइन एंड कोसाइन के साथ में जो फंक्शंस होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो देखिए आप 2 पाई सी टी अपॉन लैम्डा, ये है डायमेंशनलेस, M0 L0 T0, और इसके बाद में है 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। निश्चित रूप से ये दोनों डायमेंशनलेस हैं। अगर हम 2 पाई 2 पाई को हटा दें तो इसका मतलब है सी टी अपॉन लैम्डा बराबर है एक्स अपॉन लैम्डा, राइट। अब ये बराबर है तो देखो आपके क्या क्या सही हो गए, क्या क्या गलत हो गए। लैम्डा लैम्डा अगर हट जाएंगे तो सी टी बराबर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट होता है ना, एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस होता है, आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोल सकते हो, है ना। एक्स आपका डिस्टेंस होता है बेटा, लैम्डा भी डिस्टेंस होती है, लैम्डा भी डिस्टेंस होती है। इसका मतलब एक बात बड़ी क्लियर है कि ये वाला सही हो गया, ये वाला भी सही हो गया, और ये वाला भी सही हो गया, तीनों सही हो गए, है ना। देखो यहां से सही, यहां से ये सही है, और जो 2 पाई सी अपॉन लैम्डा है यहां से ये एक्स अपॉन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा अपॉन टी है, यानी कि इस टी को यहां ले आए आप, समझिए ये वाली जो टी है ना, इस टी को आप यहां ले आओ उठा करके, तो अपने आप ही यहां पे आ जाएगा टी, ये भी सही हो जाएगा। चौथा वाला 100% गलत है। कैसे? सी जो है स्पीड होती है, सी अपॉन लैम्डा, और एक्स अपॉन लैम्डा, एक्स अपॉन लैम्डा डायमेंशन लेस है, जबकि सी अपॉन लैम्डा की डायमेंशन होती है। कैसे? सी आपकी स्पीड है, स्पीड को लिखोगे आप L1 t-1, लैम्डा आपकी L1 है, यानी कि t-1 हो जाएगा, यानी कि ये चौथा वाला आपका गलत है। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, चौथा वाला आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था।